ओके okay. अमीटर है ना आई ई है ना सो so, ये एनपीएन है ओके सो पी टू एन दिस पी टू एन करंट ओके सो करंट इज कमिंग हियर आई ई ओके एंड गोइंग गोइंग आईसी एंड देन वी आर प्लेइंग हियर ओके सो करंट अंदर जाएगा कि बाहर आएगा करंट का डायरेक्शन क्या होगा आई बी अंदर है आई बी का अंदर जाएगा ना ठीक है वेरी गुड अंदर कैसे जाएगा बी ये बाहर आ रहा है ये बाहर तो बाहर जाना चाहिए ना बाहर जाना चाहिए आई वी तो ओके एन पी एन एन पी कैसे जाएगा देखो चेक करो अंदर जाएगा बाहर जाएगा ठीक है सर एनपीएन में सर आई सी एन पी एन तो एन पी एन ओके बाहर जाएगा, तो जाएगा. तो, तो okay, जाएगा सॉरी ये बाहर जाएगा ये एमिटर ये है ना एनपीएन तो यहाँ से बाहर जाएगा ना ठीक है yes, तो ये आई हो जाएगा ओके okay. सो so, ये आईसी हो जाएगा और ये अपना आ, अंदर जाएगा बाहर जाएगा आपकी अंदर, अंदर, अंदर जाएगा अंदर अंदर वेरी गुड अंदर जाएगा ठीक है तो ये अंदर आईसी अंदर जाएगा सब अंदर जाएंगे ठीक बेस है ना सर कॉमन बेस है हाँ okay. तो तो अभी इसमें हमने ग्राफ प्लॉट किया था लास्ट टाइम पे इनपुट ग्राफ प्लॉट किया था तो मैंने कुछ ऐसा किया था दिस वन दिस वन एंड कीपिंग वीसीबी VCE ना वी सी कॉन्स्टेंट था VCB sorry, common uh, common common uh, VCB constant था तो VCB one volt and VCB zero volt, okay? तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर ये ऐसा क्यों ऐसा ग्राफ क्यों आ रहा है जब हम VCB बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने जब common मीटर पे देखा था जब VCB बढ़ा रहे थे तो ग्राफ इस, ये वाला ग्राफ इधर आ रहा था okay? और ये वाला ग्राफ अभी इधर क्यों आ रहा है तो इसके देखने के लिए भी, भी फिजिक्स तो वही है जो कर जो हो रहा है उधर वो भी यहीं पे भी हो रहा है व्हेन यू इंक्रीज द वीसीबी ओके वीसी बढ़ाने से क्या होता है वीसी बढ़ाने से क्या होता है लास्ट टाइम क्लास में बताया मैंने बेस विथ मॉड्यूलेशन ओके अर्ली इफेक्ट था yes, ना sir. तो जब वीसीबी बढ़ा रहे हैं ठीक है सो दिस इज माय एन पी एन ट्रांजिस्टर ओके यहां पर भी है हो हाँ. तो अगर मैं यहाँ पे रिवर्स प्लेस बढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये बढ़ रहा है ओके बढ़ रहा है इसका मतलब क्या मेरा आई बी कम Ic. हो रहा है आई बी कम हो रहा है क्योंकि बेस कम हो जाएगा बेस का कम हो जाएगा तो कम हो जाएगा ठीक है और आई बी और आईसी आईसी बढ़ेगा क्योंकि आई से जो आईसी आ रहा है वो आईसी बढ़ेगा क्योंकि आपकी रिकॉम्बिनेशन कम होगा ठीक है इस चीज को कैसे समझते हैं तो एक तो चीज आपको पता है कि आपका जो अल्फा जो होता है अल्फा इज व्हाट आईसी बाई आई आपका अल्फा कांस्टेंट है ओके okay? और क्योंकि जैसे ही बेट्स का हेलो सर हाँ हेलो सर मेरा कनेक्शन चला गया था सर एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं लास्ट वन मिनट सर बस हाँ सो वी आर डिस्कसिंग दैट इनपुट करेक्टरिस्टिक्स ओके सो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स में हम ये देख रहे हैं कि हम जब वीसीपी बढ़ा रहे हैं तो मेरा आई क्यों बढ़ रहा है ठीक है ना यहाँ पे यहाँ पे देखो ना कम वोल्टेज लगाने से ही मुझे वीबी आई आई सेम मिल रहा है यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ वीबी और वी बढ़ाने से क्या हो रहा है मुझे कम वीबी लगाने से ही वो सेम करंट मिल जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं फॉरवर्ड फॉरवर्ड वाइस को बढ़ा रहा हूँ ठीक है मतलब मेरा बेस क्या है ज्यादा फॉरवर्ड जो इनपुट है वो ज्यादा फॉरवर्ड वाइस बन रहा है ठीक है उसी को एक्सप्लेन करना कैसे हो रहा है तो एल्फा कॉन्स्टेंट है ठीक है बेस विथ कम कम होगा तो आईसी बढ़ेगा ओके अब ये रेशो कॉन्सेंट है तो आईसी बढ़ेगा तो आई आई भी बढ़ना चाहिए ठीक है एक तो चीज एक तो ऐसा, ऐसा समझो और दूसरा तरीका समझने का यह है कि जब आप वीसीपी बढ़ा रहे हो ठीक है तो वीसीपी बढ़ाने से क्या हो रहा है यहां पर ये पॉजिटिव है ठीक है ये वी सी बी या नहीं तो ये ये वी सी बी है उल्टा टाबल बढ़ा रहा है ठीक है ये वी सीई है और ये वी सी बी तो जब वी सी बी बढ़ा रहे हैं

पॉजिटिव होता है है ठीक तो BCV बढ़ाने से क्या होता है एक तो ये वाला इफेक्ट है कि क्योंकि आपका बेस वेट कम हो रहा है बेस कम होने से आपका IC बढ़ रहा है तो इसको इसको मेंटेन करने के लिए आई को बढ़ना पड़ेगा ठीक है दूसरा यह होता है कि वीसीबी बढ़ने से ये जो जंक्शन है ठीक है वो और ज्यादा फॉरवर्ड बायस बन जाता है ठीक है अब वो कैसे देखते हैं कि ये वीसीबी बढ़ा रहे हैं ठीक तो है तो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है ये 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 ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है ठीक है ये पॉजिटिव हो, तो हो रहा है हाँ हाँ ट्रांजिस्टर तो कौन सा सर एनपीएन है पीएनपी दोनों एनपीएन एनपीएन है ना दोनों तरफ का लगा है एनपीएन है ये तो पहले बता देता ना एनपीएन है ठीक है तो इसको बस ये ऐसे समझो कि बेस विथ कम होने से आपका आईसी बढ़ता है तो इसको आई बढ़ना पड़ेगा ठीक है इसीलिए ये जंक्शन भी आपका थोड़ा फॉर्वर्ड फॉरवर्ड बाइस बनता है ओके फॉरवर्ड बाइस बनता है कि मतलब आप जो जो पहले जिस वीवी पे हो रहा था करंट वो उससे कम वीवी पे मिलेगा ठीक है अब देख लो ना इसको मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है तो वीसीवी बढ़ाने से क्या होता है ये जंक्शन भी आपका ज्यादा फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड बायस बनता है अब देखो कैसे बनता है ठीक है नहीं तो फिर यह एक्सप्लेनेशन याद रखना कि क्योंकि तो आईसी बढ़ रहा है और अल्फा कॉन्स्टेंट है तो आपका आई बढ़ना चाहिए ठीक है क्लियर है किसने पूछा किसने था क्वेश्चन किसने पूछा था क्वेश्चन ये क्वेश्चन किसने पूछा था ठीक है सर मैंने सर क्या नाम शोतन सर हाँ हाँ ठीक है तो इसका यही कारण है ये कॉन्स्टेंट है तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ना चाहिए ठीक है एक तो ये वाला क्वेश्चन था ओके सो सेकंड सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन था आपका आउटपुट का आउटपुट का था इसी में था कि दूसरे में था, था। इसी में था दूसरे ने था। ने था। ने था। सी में था सी का सी, 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 सी का तो डिस्कस हो गया था दोनों कर लेते हैं डिस्कस ठीक है दोनों कर लेते हैं सर उसमें आउटपुट का था आर नॉट का हम्म अच्छा वो आर नॉट आर नॉट वाला सही था ओके? तो आर नोट वाला था हमने अर्ली इफेक्ट था हमारा ओके तो हमने बोला था कि इसको अगर हम पीछे ले जाएंगे ओके okay. तो ये हमारा वी वोल्टेज था ठीक है और फिर मैंने बोल दिया था कि ये आई सी है ओके ये वी सी है फिर मैंने बोल दिया था कि जब मेरा जो आर जीरो है आर जीरो टू वी ए बाय आई सी तो फिर किसी ने पूछा था सर आईसी कौन सा वाला आईसी कौन सा वाला आई कौन सा वाला आई सी लेंगे ठीक है ये तो वी ए है तो इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है वी ए प्लस वी सी अपॉन आईसी ओके अब क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज्यादा होता है अब अब हमको आईसी के लेना है वीसी पे किसी वीसी पे आईसी लेना है जो भी वीसी सी लोगे आईसी लोगे ठीक है उसके बाद में क्योंकि अब ये ये दो चार वोल्ट है दो तीन चार वोल्ट है और ये है हंड्रेड वोल्ट ओके तो इसके कंपेरिजन में ये तो बहुत नेग्लिजिबल होता है इसलिए अप्रोक्सीमेटली इसको ऐसे ही लिख देते हैं वी ए बाई आई सी ओके तो फॉर्मूला गलत नहीं था फॉर्मुला सही था ठीक है बट उसको क्या है एग्जैक्टली ये ऐसे तो लिखते हैं बट क्योंकि नेग्लिजिबल है तो छोड़ देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली इसी से फॉर्मुले से आपका आंसर निकल जाता है क्लियर यस सर सर सी थोड़ा थोड़ा बहुत ही चेंज होता है तो थोड़ा बहुत चेंज होता है ना

हाँ। हर एक क्यू पॉइंट के लिए अलग अलग होएगा ना सर क्यू पॉइंट नहीं मतलब हाँ। हाँ, आप तो, हाँ, सही, सही आपको एक वि तो, तो, आप, आप हमेशा इसी रेंज में रखो ना भी आप रखो कि मेरा जो जब आईसी कांस्टेंट हो गया है ठीक है उसी, उसी वो इसके कंपेरिजन में पड़ेगा ठीक है तो अप्रोक्सी मतलब ये वेल्यू बहुत ज्यादा है पीछे ले जाने से तो वो आंसर इसी से okay. आप निकलेगा एक्यूरेट आंसर निकलेगा ठीक है आप उसमें आंसर निकलेगा ओके सर ओके ओके सर सो दिस वाज योर और क्या था एक और क्वेश्चन किसी का और था एक और डाउट था शायद किसी का आ, ये वाला जो होमवर्क दिया था मैंने 10 ohm 10 microfarad okay so we have applied okay 14 volts minus 14 volts okay and then this minus this one okay so d2 d1 तो मैंने पूछा था आउटपुट आउटपुट का शेप कैसा आएगा इनपुट दे रखा है आपको फिर गिवन इनपुट ओकेटीन माइनस फोर्टीन तो आउटपुट कितना आया था बताओ आउटपुट कितना आया था वन तो प्लस हो जाएगी हाँ, तो इसमें आउटपुट यहां निकल यहां ले रहे हैं हम लोग वी आउटपुट तो, तो ये क्लैम्पिंग का सर्किट है ठीक है कैसे करेंगे वी आउटपुट कैसा आएगा बताओ ये कितना आएगा वैल्यू अगर मैं देखेंटिव साइकिल देखोगे तो क्या करेगा ये आपका फॉरवर्ड बायस है ठीक है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट सेवन दे रखा था मैंने जीरो पॉइंट सेवन दे रखा था मैंने सिलिकॉन और इसमें कितना दे रखा था मैंने इसमें दे रखा था मैंने सिक्स पॉइंट एट उसका 6.8 लिखा था जीना डायोड है तो ये दोनों बैटरी बन जाएगा फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस के लिए ठीक है ये 6.8 और ये 0.7 ठीक है पर अगर ये फॉरवर्ड बायस नहीं है एक ऑपोजिट डायरेक्शन में था ना नहीं नहीं दोनों दोनों दोनो डट सेम डायरेक्शन में थे भी, भी जीना में तो क्या होता है जीना ऑपोजिट है ना जीना में तो जो नेगेटिव होता है जो नेगेटिव होता है उसी उसी को पॉजिटिव लेते हैं ना बैटरी को जीनर में उल्टा है जहां नेगेटिव ये बैटरी है उसको पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि रिवर्स रिवर्स control... अभी ठीक है ऐसा था ऐसा तो था, था।, था।, था ये उल्टा था ये उल्टा था ये ठीक oh, हाँ. हाँ. तो है, कि, कि ये, ये है? चौदह का चौदह यहाँ पे क्यों नहीं आ जा रहा है फिर मैं तो लग, पहला क्वेश्चन बताया था था, पहले जब ये, ये, ये नहीं था डायोड था आईडी डायोड था तो मैंने सप्लाई किया पल्स लगाया और सबका सब मेरा यहाँ पे आ गया था यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था अभी यहाँ पर क्यों आ रहा बताओ सर क्योंकि सर सर ये जो जो बैटरी की तरह ऐड करेगा तो वोल्टेज पैरेलल में है वही लेंगे ना नहीं पे पहली चीज तो है हमको जब करंट फ्लो ओपन तो जब 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 हो गया अगर इसको, मिल, इसको मिलेगा ही नहीं इसको 0.7 मिलेगा ही नहीं तो ये करंट ओपन तो हो जाएगा या तो यहाँ से ओपन हो जाएगा या फिर यहाँ से ओपन हो जाएगा ठीक है चार्ज होने के लिए भी पहले इसको तो बंद होना पड़ेगा ना इस पाथ को तो क्लोज होना पड़ेगा ना तो इस पाथ को क्लोज होने के लिए यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होना ही पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे होने के बाद में जो बचेगा वो यहाँ पर आएगा क्लियर क्योंकि अगर वरना चार्जिंग आपको इसको चार्ज करना है चार्ज करने के लिए से भी करंट फ्लो होना चाहिए तो यहाँ पे तो ड्रॉप होना पहले पे ड्रॉप होना पड़ेगा जितना चाहिए, उसका बचाव यहाँ पर हो जाएगा सिक्स एट यहाँ पर आ जाएगा कितना चला ये सेवन पॉइंट फाइव मिल जाएगा ठीक है पॉजिटिव साइकिल में फोर्टीन वोल्ट में, में हमको क्या मिल जाएगा सेवन पॉइंट फाइव ये क्लियर है ठीक है क्या होगा रिवर्स में आपका ये डायोड है ये ओपन हो जाएगा ये ओपन तो हो जाएगा ये, ये पूरा ओपन हो गया ठीक है यहां पूछा ही नहीं है अब कैसे लिखेंगे अभी अब और ये ये एज एज इट इट इज इज रहेगा रहेगा ठीक है प्लस माइनस तो हम कैसे हम यहाँ पे मेरा वी इनपुट क्या होगा अब अब उल्टा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वी इनपुट और यार माइनस फोर्टीन ओके माइनस फोर्टीन फिर प्लस ये माइनस प्लस माइनस वी नॉट ओके माइनस बी सी तो मेरा वी नोट क्या हो जाएगा माइनस फोर्टीन माइनस बी सी माइनस फोर्टीन माइनस सिक्स फाइव ओके तो माइनस ट्वेंटी पॉइंट फाइव तो ये मेरा माइनस ट्वेंटी फोर फाइव जाएगा ठीक है और ये आंसर है क्लियर है ठीक है सर चलो ठीक है

अभी पांच तरह की बायस इंपॉर्टेंट बायस है तो पांचों तरह के सर्किट आपको दिमाग में चाहिए कि कौन सी कौन सी बायसिंग है ओके एक बार सर्किट देख लेते हैं उसके बाद में इनके डिसएडवांटेज एडवांटेज हम कंपेयर करेंगे बाद में ठीक है तो कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट एग्जाम में आपके क्वेश्चन इन्हीं पांच तरह की बायसिंग है और एक दो थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन है छह सात तरह सर्किट है अब तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो इसी बाइसिंग से आया मैंने देखा मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपका बाइसिंग से आया है ठीक है सो दिस इज कलेक्टेड टू बेस बायस सर्किट तो बेस बायस का मतलब क्या है कि यू हैव ट्रांजिस्टर ओके यू हैव वन पावर सप्लाई वीसीसी ओके नाउ यू हैव आरसी ओके एंड देन यू हैव हेयर वन रेजिस्टेंस आर बी और ये आके फिर मेरा यहाँ पर आ रहा है ठीक है एक ही पावर सप्लाई है और उससे करंट जा रहा है ओके तो आप बताओ करंट कैसे होगा करंट कितना होगा ये आपका सी है ओके ये आपका कॉमन एमीटर है और ये आपका बी है ओके तो ये तो यहाँ पे तो वी सीई ड्रॉप होगा ओके यहाँ पे वी बी ई ड्रॉप होगा और यहाँ पर वी सी बी ड्रॉप होगा डिस इज योर इनपुट पूपुट ओके इनपुट क्या बोलते हैं इनपुट सर्किट ओके और ये वाला क्या है ये ये पूरा इनपुट आपका ये वाला इनपुट लूप है इनपुट लूप ओके और ये वाला दिस इज योर आउटपुट लूप ओके इसको भी बोलते हैं बेसमीटर लूप बेस अमीटर लूप और ये कलेक्टर अमीटर लूप कलेक्टर अमीटर हैव टू राइट द इक्वेशंस ओके वी हैव टू राइट केवीएल फॉर बोथ द लूप्स ओके इनपुट लूप एंड आउटपुट लूप सो इनपुट लूप में अगर मुझे इक्वेशन लिखना है ओके okay, तो वीसीसी ओके वीसीसी पॉजिटिव है इसका मतलब ऐसे है ओके okay, इस तरह से बीसीसी ऐसा है तो अगर सर्किट में केवीएल लगता है मुझे तो माइनस वीसीसी प्लस यहाँ पे करंट कितना होगा आईसी प्लस आईबी okay? वेरी गुड ओके क्योंकि यहाँ तो आईबी तो जाना ही है यहाँ तो आईबी चाहिए ही चाहिए मेरे को और यहाँ पे आईसी भी चाहिए कलेक्टर करंट तो ये करंट कितना हो जाएगा आईसी प्लस आईबी ओके okay? अब तो सब क्लियर है जैसे इक्वेशन लिख दो तो ये क्या हो जाएगा आरसी ओके आईसी इनपुट के लिख रहे थे ना, हाँ इनपुट के लिख रहा हूँ, आई बी ओके आर सी इन आई सी प्लस आई बी प्लस आई बी आरबी ओके प्लस वीबी इक्व टू जीरो अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है किसके लिए आई बी के लिए इसका बीटा दे रखा है

सर मुझे हमेशा एक डाउट रहता है सर ये जो आप KVL लगाते हैं तो ये प्लस वी भी आपको कैसे पता चलता है प्लस लेना है कि माइनस लेना भी ये भी ये प्लस है ना प्लस ना प्लस वीसीसी है ठीक है अब माइनस स्टार्ट कर यहाँ से माइनस स्टार्ट कर बैटरी ऐसे है ना तो जो साइन जो साइन आएगा वही लिखेंगे अब ये माइनस आ रहा है तो माइनस लिख रहे हैं ठीक है जैसे ये तीन टर्म तो समझ में आ गए लास्ट वाला प्लस माइनस कैसे डिसाइड करते हैं ये वाला ये यस सर वो वाला सर ये तो करंट फ्लो कर रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस तो जो करंट फ्लो फ्लो कर रहा तो ये प्लस माइनस ही होगा ना करंट फ्लो कर रहा है तो अच्छा अच्छा वो डायरेक्ट वाला कर, हो गया करंट करंट डायरेक्शन जा रहे हैं ठीक है ओके सर ओके सर तो ये हो गया RC IC को मिल सकते हैं बीटा आई ओके तो बीटा 1 प्लस IB बी प्लस आई बी प्लस वी बीस टू जीरो आई वॉन्ट आई बी सो आई बी हो जाएगा बी सी सी माइनस वी ओके और क्या हो जाएगा नीचे Rb बी प्लस बीटा प्लस वन आर ठीक है अप्रोक्सीमेटली वैसे तो हमको यही फॉर्मला लगाना है अगर अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है

तो दो दो करंट निकल गया अब एक आउटपुट करंट निकालना है सो so, आउटपुट में अगेन यू राइट टेक आउटपुट लूप ओके माइनस वीसीसी ओके प्लस आर सी आईसी प्लस आई बी ओके देन प्लस वी सी जीरो ओके तो हमारा अब इसमें कैसे करोगे बताओ आईसी कैसे निकालोगे आईबी को रिप्लेस कर देंगे सर हम सर आईसी बाय बीटा से आईबी को रिप्लेस कर देंगे हो जाएगा करो सो माइनस माइनस बीस बड़ा होता है ना वहाँ तो -B आप चाहो तो नेगलेक्ट भी कर सकते हैं मिली एम्पियर होगा माइक्रो एम्पियर होगा यस 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 ठीक है हो आ, हो yes, yes, yes. तो वो भी कर सकते हो यहाँ पर यू कैन नेगलेट आई बी ओके सो योर आई विल बी नाउ व्हाट वी माइनस वी ओके अपॉन आर ठीक है और इस केस में भी आपका जो आईसी सी सेचुरेशन निकालना होगा वो बीसी सी जीरो करके पहले वाला फॉर्मूला आएगा बीसीसी सी आर सी पहले क्या आता था फॉर्मूला ये आता था ना बी सी सी सेचुरेशन आता हो जाएगा पर हर बार सेम नहीं आएगा कुछ कुछ बायस में ये फॉर्मूला चेंज होता है ठीक है एक ही फॉर्मला लगाना सर्किट देख के लगाना इसमें सेम आया तो कोई बात नहीं है ठीक है दिस इज योर

इन इसमें एक्टिव रीजन में काम कर रहा है या इट इज ऑन कट ऑफ रीजन और इट इज सैचुरेशन रीजन वो आपको करने से पता चल जाएगा भी अगर आपका जो करंट है वो सैचुरेशन ज्यादा है दैट इज इन सैचुरेशन रीजन ओके और अगर आपका जो वीसीई है ठीक तो है वो वीसी आपका वीसी के बराबर हो जाए तो ये वीसीई है वीसी के बराबर हो जाए तो ये ऑलमोस्ट कट ऑफ रीजन के पास आ जाता है तो पूछता एग्जाम में

आई बी जीरो हो जाएगा तो आपका वो एकदम कट कट ऑफ में आ जाएगा बेस में करंट फ्लो नहीं कर रहा है दैट मीन इट इज कट ऑफ रीजन ये मिटा रहा हूं मैं सो ना क्वेश्चन इज आर सी इज गिवन आर सी इज गिवन फाइव हंड्रेड होम्स ओके एंड इज गिवन फाइव हंड्रेड किलो होम हंड्रेड ओके सो कैलकुलेट आईसी आई बी आई ओके एंड रीजन रीजन ऑफ रीजन ऑफ ऑपरेशन ओके आईसी सेचुरेशन भी निकालना पड़ेगा पता करने के लिए करंट की वैल्यू कितना है आई सी सेचुरेशन निकालो सबसे पहले तो निकालना है आई बी ओके तो आई बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस वी बी ओके दे रखा है इसमें प्लस प्लस बीटा हाँ वीसीसी का वैल्यू दे रखा है आई थिंक दस वोल्ट दे रखा है दस वोल्ट दस वोल्ट दे रखा है तो यह हो जाएगा आरबी प्लस बीटा प्लस वन सर आरबी कान सौ किलो पांच सौ किलो आरबी इज पांच सौ किलोम तो मैं वैल्यू लिख रहा हूं मैंने रफली कैलकुलेट किया है ठीक है इसका है, गया, given तो ठीक दिस शुड बी क्लोज टू करो एम्पियर बीटाइज गिवन हंड्रेड चाहो तो यहाँ बीटा को अपन को छोड़ सकते हो अगर आपको इसमें आंसर निकालना है तो इसी रेंज में आना चाहिए बीस पंद्रह से बीस के बीच में सिक्सटीन ठीक है हाँ ठीक yes. है देन आईसी विल बी वन पॉइंट सिक्स नाइन मिली मिली एमपियर नाउ सपोज आई वॉन्ट टू कैलकुलेट आईसी सेचुरशन ओके सो आईसी सेचुरेशन कितना आएगा बी सी सी टेन अपॉइंट आरसी फाइव हंड्रेड ऑम्स वन बाई फिफ्टी वन बाय फिफ्टी कितना जाएगा 20 20 मिली एमपेयर तो अभी तो सेचुरेशन सचु, तो नहीं है ठीक है ना ये डिसीजन एक्टिव रीजन तो पता चल गया एक्टिव रीजन तो हो गया है तो नाउ आई तो निकल ही जाएगा आईसी प्लस आई जो आईसी है वो वही आई हो जाएगा ओके एंड देन क्यू पॉइंट दाओ बीसी बीसी कितना होगा अब कट ऑफ में तो नहीं आ रहा है ना क्योंकि आई सी फाइव नाइन पॉइंट फाइव वन फाइव ओके नाइन नाइन पॉइंट वन फाइव ओके ठीक है इसी यार नाइन पॉइंट वन लिख दो वेरी क्लोज टू क्लोज सी सी ओके सो इसका मतलब क्या हो गया हमारा जो क्यू पॉइंट है ओके क्यू पॉइंट ओके इज नॉट इन द मिडिल ऑफ नॉट मिडल ऑफ एक्टिव रीजन ओके, बट नियर नियर कट ऑफ कट ऑफ रीजन ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं डी करके कहां पर एक्टिव रीजन में है मिडिल में है मिडिल में नहीं है में है कट ऑफ रीजन के पास में है देन यू कैन रिप्लाई दिस टाइम ओके तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर आगे चले yes, okay. अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग कलेक्टेड टू बायस करंट को हम लोग कंपेयर करेंगे भी वो डिफरेंस क्या है उसमें वो तो हम बात में करेंगे पहले एक न्यूमेरिकल से ही कंपेयर कर लेते हैं ठीक है कि कौन सा ज्यादा अच्छा है कलेक्टेड टू बायस अच्छा है या फिक्स बायस जो कल किया था हमने वो अच्छा है ठीक है तो उसके लिए क्वेश्चन लिखो अब की मैं एनपीएन कर लिया मैं पीएनपी देता हूँ ठीक है सो वी हैव One PNP transistor, okay. And RC is given. RC value is given as two kilo ohm, okay. And RB is given three hundred kilo ohm, three hundred kilo ohms. Okay. And this is. ओके, okay. नाउ इसमें बीसीसी इसमें क्या है कलेक्ट पी एन पी चाहिए पॉजिटिव या नेगेटिव ओके तो गिवन माइनस नाइन वोल्ट तो पीएनपी है तो क्या होगा अमीटर <coughs> कहाँ है आपका आपका करंट अंदर करन अंदर जाएगा अमीटर से ठीक है आईबी भी अंदर आएगा आ, आई भी अंदर आके बाहर जाएगा आई सी आई सी ऊपर जाएगा आईसी प्लस आई बी दोनों ना दोनों ऊपर जाने चाहिए दोनों ऊपर जाएंगे तभी तो इसका मतलब आईबी भी, भी आईबी भी, भी जाएगा ठीक है आईबी भी आईबी भी, भी अंदर जाना चाहिए इसका मतलब सो हाँ का तो समझ आ रहा है कि सर अंदर जा रहा है

पहले तो क्या नाम है हाँ पी एन पीएनपी में अरे वो पी एन पी में आई बाहर जा रहा है आई सी आई सी आई सी आई सी जिस इज एन पी एन ओके एन पी एन में क्या होता है आई बाहर जाएगा आई सी अंदर जाएगा और आई बी अंदर जाएगा तो यहाँ से आई भी बाहर जाना चाहिए ना ओके okay, okay. yes, okay, ठीक. ठीक है Yes, इसको, तो इसको कैसे करोगे इस क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे कौश्ण को कैसे करोगे अगर डायरेक्शन अगर ये ऐसी है ठीक है तो कैसे करोगे इसको सारा उल्टा कर देंगे, क्या सारा डायरेक्शन उल्टा कर दो तो कर दो क्वेश्चन तो में क्या करेंगे कि हमको हमारा फार्मूला तो चेंज नहीं होगा क्योंकि अब की क्या हो जाएगा जब आप के लिखोगे तो ये बैटरी ऐसे है ठीक है तो अब ये प्लस बी हो जाएगा और अब ये, ये, अगे, अगेंस ता, अगेंस ता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ठीक है तो, आएगा, तो, बस इसको रिवर्स, कर तो खाली। इसको रिवर्स करके और आप इक्वेशन इक्वेशन वही भी हो जाएगी लिखो इक्वेशन लिखो वापिस ठीक है और मुझे भी थोड़ा चेक करना दो तो एक बार में आई प्लस आईबी जाएगा ना आई सी प्लस आई बी ठीक है आईसी आप मुझे चेक करना तो जैसे गिव मी वन मिनट एनपीएन का पीएनपी का नहीं देखा कैसे पीएनपी पीएनपी क्वेश्चंस नहीं होता है सर डेटा की वैल्यू दी है जस्ट वन जस्ट गिव मी वन सेकंड जस्ट आप करो इसको करो क्वेश्चन करो मुझे बस इसको क्लियरिफाई करने दो डायरेक्शन को आप करो इसको कि फॉर्मूला सेम आ रहा है कि नहीं, नहीं फॉर्मूला लगाओ पहले

जस्ट गिव मी वन मिनट मैं इसको क्वेश्चन को डून का आंसर दिया है मैंने माइनस बी सी सी करंट रजिस्टर तो से बाहर निकले गए सर्किट गलत बनाया मैंने ओके ये सर्किट ही गलत बना दिया ना इसलिए तो कंफ्यूजन हो रहा है ओके ये तो सर्किट भी तो गलत बनाया ये यहाँ से तो जुड़ता है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है ये आपका अभी जो बनाया था वो कैसे था आरबी पी यहाँ से था ना यस yes, इसलिए तो कंफ्यूजन हो रहा है मैं वही कह रहा था यहाँ पे यहाँ पे आईसी पे कैसे जाएगा इस आरबी ओके okay. तो so, अब कैसे जाएगा करंट दिस इज दिस हियर दिस इज हियर ओके तो अब यहां से आई भी जाएगा इधर बाहर जाएगा सही है ठीक है और फिर घूम के वापस अंदर जाएगा अब लिखो वो सेकेंड क्लास बनाया था तुम तो बोल भी नहीं रहा हो सेकेंड क्लास बनाया है हाँ उसने तो छोटी छोटी गलती से तो मुझे लगा था सर पर मैंने बोला नहीं वो एक बार गलती हो जाए तो पकड़ना फिर मुश्किल होता है ठीक है तो अब ये आपका सर्किट है कलेक्टर वायर सर्किट ओके अब तो अब तो पता वो सेम सेम इक्वेशन आएगी ना जो जो पहले आए तो हम्म बीटा, बीटा इसमें दे 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 दे। हाँ बीटा दे रखा है इसके अंदर बीटा इसमें, इसमें। फि आ, फिव्टी, पहले फिफ्टी लो ठीक है फर्स्ट केस में बीटा फिफ्टी लो एंड सेकंड केस में लो बीटा वन फिफ्टी ओके सो so, बीटा इज वेरिंग फ्रॉम फिफ्टी टू वन फिफ्टी दो बार करना है क्वेश्चन को ठीक है और निकाल कर बताओ मुझे आई आईसी दोनों केस में

ठीक है और आईसी कितना आई सी वन पॉइंट सही है वन पॉइंट वन टू फाइव मिली एम करेक्ट ठीक है एंड और तो आई सी आएगी आपके पास में बीटा आई बी और सेचुरेशन करंट कितना आ रहा आईसी सेचुरेशन कितना आ रहा 4.5 5 दिए रहा 4.5 4.5 सही है 4.5 एमपीए आ रहा ओके तो ये तो क्या आपका पहला केस ओके okay? इसमें तो ये क्या हम कर हां आईसी सैचुरेशन माइनस 9 कर देंगे ना सर नहीं नहीं, नहीं प्लस करेंगे माइनस क्यों करेंगे अच्छा आ 9 अपॉन जो भी करना है आरसी करना हाँ ठीक है तो 4.5 आ गया ना ठीक है तो फॉर्मुला वही रहेगा कहने का मतलब है कि वही रहेगा इसको प्लस जब भी आप पीएनपी आ जाए तो आपको वह... वही, का लगा... वही का वही का लगाना है या तो भी आप आप करके देखो आएगा वही फॉर्मूला लिख के देखो केवीएल लिखो एक्जेक्टली exactly वैसे फॉर्मूला आएगा ठीक है क्योंकि करंट ये रिवर्स में है तो फॉर्मुला वही रहेगा या तो इसको प्लस करके एन वाला फॉर्मुला लिख दो या फिर इसको माइनस करके या तुम खुद ही अपना केवीएल खुद लिखो एंड देन यू तो दिस इज योर फर्स्ट थिंग ओके दिस इज फर्स्ट केस केस नाउ सेकंड आई एम मेकिंग मेकिंग इट 150 150 तो तो बताओ हाँ सर मेरा आई बी सर ट्वेंटी थोड़ा बहुत वेरिएशन तो वेरिएशन मतलब नहीं था। थोड़ा अगर आपने वो वीवी वी वी कैंसिल कर दिया जीरो पॉइंट सेवन पर हटा दिया है या बीटा को बीटा को आपने अप्रोक्सीमेट किया है ठीक कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है अब मुझे नया नया आई सी चाहिए नया आई सी चाहिए ओके पहला तो नया आई बी चाहिए फिर नया आईसी चाहिए। चाहिए आई बी कितना है अभी कितना आ रहा है आईबी क्यों चेंज हो रहा है आईबी तो सेम ही होना चाहिए ना सर बीटा से बदला है ना सर बीटा से आईबी बदला है कितन, कितना, रहा है? तो कितना रहा? तो, आ रहा है अभी तो थर्टी कितना आ रहा है सर अभी फिफ्टी माइक्रो एम्पीयर आ रहा है फिफ्टी माइक्रो एम्पीयर और आईसी कितना आ रहा है आईसी आ रहा है टू पॉइंट टू पॉइंट मिली ओके okay. और तो आईसी आईसी वन बाय आईसी करो कितना आ रहा है आईसी वन बाय आईसी कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट टू आएगा आ रहा, आ रहा? है? टू आ रहा है ठीक है तो व्हेन वी आर यूजिंग कलेक्टर ओके कलेक्टर बेस बायस ओके व्हेन व्हेन आई एम चेंजिंग बीटा फ्रॉम फिफ्टी टू वन फिफ्टी दैट मीन थ्री टाइम्स बीटा चेंज कर रहा हूँ और करंट मेरा क्या हो रहा है डबल हो जा रहा है डबल हो जा रहा है ठीक है थीके? अब अब इसी इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चंस को सेम सेम डेटा को आरसी के लिए अब के लिए करते हैं ठीक है और उसके लिए बीटा को ऐसे वेरी करते हैं उस समय आपको निकालना है कि आईसी वन का रेशियो क्या हो रहा है तो उससे आप, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये सर्किट उससे बेटर क्यों है नाउ सेम क्वेश्चन यू हैव यू टू डू ओके आर कितना था टू किलो ओम टू सर. और आर बी कितना था थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड किलो ओके वीसी कितना था नाइन वोल्ट्स. माइनस करो माइनस प्लस करो एक ही बात है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट सेम सेम प्रोसीजर ओके आप उसको पीएनपी एन मान लो या एन पी एन मान लो पी मानोगे तो पी एन है।, है।, है बीटा सेम है बीटा फिफ्टी टू वन ओके वी टू वन और इस केस में आपको आई वन टू आई बताना है आई वन टू आई कैलकुलेट करना है जो इसे पहले किया था तो पहला केस है ओके वैन बीटा इज फिफ्टी ओके इन दैट केस वाट इज आई बी आई बी निकालो आईसी निकालो आई सी निकालो मेरा आई बी आ रहा है थर्टी माइक्रो एम्पियर अब ये रफली है आपका इसके आसपास ही आएगा फिक्स बायस का फॉर्मूला लगाना फिक्स बायस का आपकी ट्वेंटी आएगा ना सर आईसी आईबी है सर आईबी आईबी आई बी आईसी होगा सर आई बी रहा है ट्वेंटी माइक्रो यहाँ पे आईसी हर लीजिए मेरा थर्टी आ रहा है कैसे थर्टी कैसे आएगा मेरा चेक करो बीसी ओके

ठीक है वेरी गुड अब आईसी निकल गया अब निक... आप केस बीटा 150 ले लो कितना आ रहा है? बीटा 150 ले लो तो यही रहेगा ठीक है सेम सेम रहेगा रहेगा से आई भी रहे ना आईबी भी, भी, आई भी, भी सेम रहेगा और आईसी कितना हो गया आईसी सर वन फिफ्टी कितना One point?

ठीक है तो अभी आपका ये आ गया आईसी आ गया आप निकालो आई सी वन बाय आईसी सी वन बायसी निकालो कितना आ रहा है तो तो। कितना आ रहा है थ्री आ थी. रहा है ठीक है तो बस ये यही डिफरेंस है अभी देखो जब आपने फिक्स बायस लिया ओके एंड फिक्स बायस में व्हेन यू चेंज द बीटा ओके तो आईसी में जो चेंज आया वो टू टाइम्स था इस सर्किट में पहले वाले में इसमें थ्री टाइम्स में दैट इसमें वेरिएशन ज्यादा आ रहा है ठीक है स्टेबिलिटी कम है okay. जो ग्राफ में आईसी ये फिक्स प्राइस में ज्यादा मूव करेगा बीटा चेंज करते ही और इसमें क्या है मतलब सर्किट में अब सारे सारे तो टाइम्स सेम ही होते हैं अब ट्रांजिस्टर खराब हो गया अपने दूसरा किया ठीक है ऑपरेट किया तो अभी इन दोनों को कंपेरिजन किया है इन दोनों कंपेरिजन में आपका कलेक्टर प्राइस ज्यादा बेटर है क्योंकि वो बीटा के साथ उसका वेरिएशन बीटा के साथ में आईसी का वेरिएशन है वो इसमें कम है क्योंकि इसमें ज्यादा है कंपेयर टू ज्यादा है बस ये क्वेश्चन यही बताने के लिए ये क्वेश्चन करवाया था ठीक है क्लियर है सबको सर yes, okay. ये लास्ट पॉइंट सर आपने क्या कहा सर कलेक्टर भी जो, जो दो ये क्वेश्चन पहले हमने किया था कलेक्टर बायर्स के लिए कलेक्टर बायर्स कलेक्टर क्या था सर्किट आपका ठीक है ये आपका यहाँ से था और यहाँ से जुड़ा हुआ था ये आपका यहाँ से जुड़ा हुआ था ठीक है और अब की क्या है ये है फिक्स्ड बायस सर्किट जो कल कराया था फिक्स्ड बायस

कलेक्टर बायस में कलेक्टर कलेक्टर oh, okay. से बायस में रेजिस्टेंस गया ना कलेक्टर से बायस में रेजिस्टेंस गया ठीक है तो उसको नाम दे दिया कलेक्टर बायस अच्छा कलेक्टर कलेक्टर बेस बायस ओके ये डायरेक्ट फिक्स है ओके सर कलेक्टर बेस बायस ठीक है ठीक है सर थैंक यू सर ओके सो आई एम स्टॉपिंग हियर टुमारो वी विल डिस्कस थ्री मोर टाइप ऑफ Thing and then we'll compare those things. Okay. Thank you. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir.